कोई बिजनेस यदि हमको सक्सेसफुल करना है तो उसमें जरूरत है कि एक विजन की, एक विजनरी की। एक विजनरी आदमी जो है, जिसको विजन है, वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा एंटरप्राइज खड़ा कर सकता है, जिसको विजन है। ऐसा बोला जाता है कि विजन गिव्स डायरेक्शन, विजन गिव्स फोकस। और वो विजन जो है, वो मेरा विजन, मेरे घर वालों का विजन, मतलब मेरे फैमिली मेंबर का विजन, मेरा पूरा स्टाफ होगा उसका विजन एक जैसे होना चाहिए। यदि मेरा विजन एक है, मेरे स्टाफ का विजन भलता ही है, तो वो उधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, उसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो अचीव नहीं होगा। तो हमारा एक एक स्टाफ जो है, एक एक कर्मचारी जो है, वो कंपनी के विजन में या आपके विजन में पूरा का पूरा एनरोल होना जरूरी है। और यदि वो एनरोल होता है वो विजन में कि नहीं भाई, वो मेरा विजन वो है। और विजन मतलब क्या है? विजन मतलब जो आंखों के दिखता नहीं वैसा, ये दुनिया कैसी होंगी, मैं काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, तो ये दुनिया कैसी दिखेंगी, हाउ द वर्ल्ड विल लुक लाइक, वो विजन। मेरे काम करने से आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है, वो विजन। मैं क्या करना चाहता हूं ये दुनिया में, मैं दुनिया में आया हूं, दुनिया से जाने वाला हूं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, मेरा आना और जाना इसमें, ये अंतर में, ये दुनिया को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा बोला जाता है कि चेज द विजन नॉट द मनी, द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू, द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। क्योंकि विजन यदि आप चेस करेंगे तो पैसा आएगा। लोग क्या करते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और फिर पैसा आगे आ गया और हम पीछे पीछे। यदि पैसे को आपके पीछे भगाने का है, या पैसा भागना चाहिए आपके पीछे, तो आपने विजन को अपने सामने रखना चाहिए, विजन के पीछे हमने भागना चाहिए। और सिर्फ आप नहीं, आपके पूरा स्टाफ, कर्मचारी वर्ग, आपके घर वाले, आपके सब लोग, इर्द गिर्द के सब लोग, वो विजन के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर विजन करना है तो फिर कैसा क्या? तो हरदम ये बोला जाता है कि गिव पीपल व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। लोगों को क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, ऐसा विजन तैयार करो कि जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लोगों के प्रॉब्लम यदि सॉल्व होंगे आपके काम करने से, तो डेफिनेटली आपको बहुत पैसा मिलेगा, सवाल ही नहीं है। तो विजन वो तैयार करो कि जो लोगों को काम का है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और वो विजनरी बनो। हम हरदम बोलते बी हैक रहो, बी हैक बनो, भाग या बी हैक बोलते हैं। बोल्ड हेरी ऑडेशियस गोल्स, बोल्ड हेरी ऑडेशियस गोल, विशाल गोल, माउंट एवरेस्ट गोल, ऐसे गोल्स, ऐसा विजन कि जो शायद जिंदगी में आप पूरा नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी जिंदगी चली जाएंगे तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, ऐसा बड़ा गोल, इतना बड़ा गोल। भाग, BHAG, बोल्ड हैरी ऑडेशियस गोल, आपका माउंट एवरेस्ट। तो वो तैयार करो, आपके लोग उसमें एनरोल करो, और सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका कंपनी, आपकी कंपनी, आपका एंटरप्राइज, जो भी आप चला रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ऊंचाई पे चले जाएगी। हम हरदम बोलते हैं कि उसमें जब विजन तैयार करेंगे तो ये भी आपको देखना है कि भाई आप लोगों को ज्यादा दो, जो लेते हैं उससे ज्यादा देना है। ऐसी कहावत है कि देयर वाज अ पर्सन, पीपल कॉल्ड हिम मैड बिकॉज ही वाज गिविंग मोर, बट द मोर ही गेव द मोर ही हैड। जितना आप ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, मगर देने के समय मिलेगा करके मत देना है, देने के समय देते रहो, मिलेगा जरूर 1000 गुना ज्यादा। तो इन शॉर्ट क्या है कि विजन बड़ा, BHAG भाग, बी हैक गोल, बड़ा विजनरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन, ज्यादा देना है जितना लेते उससे, हरदम देते रहना है, आपको कभी पीछे देखने का मौका ही नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार, अकेले,
हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।